इंडियन प्रीमियर लीग अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है जिसका फाइनल खेला जाना है। वहीं एक आईपीएल का नया सीजन भी चालू हो चुका है, इंडियन पॉलिटिक्स लीग, जिसका पहला मुकाबला कर्नाटका में खेला गया, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को भारी अंतर से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब अगला मुकाबला मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में खेला जाना है, जिसमें आज हम एमपी में होने वाले आईपीएल के अगले मुकाबले का विश्लेषण करेंगे, जहां शिवराज सिंह बनाम कमलनाथ की टीम आमने सामने होंगी, जो कि बहुत ही शानदार और रोचक मुकाबला होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जहां बात करें दोनों टीमें कितनी बार जीत चुकी हैं, तो वहीं शिवराज सिंह की टीम 4 बार, तो वहीं कमलनाथ की टीम केवल एक ही सीजन जीत पाई है। लेकिन कर्नाटका में शुरुआती जीत के बाद कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, वहीं बीजेपी बैकफुट पर नज़र आ रही है। 116 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों टीमें आमने सामने होंगी, कौन बाजी मारता है ये देखने की बात। आइए बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। कांग्रेस की प्लेइंग 11 हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे हैं फील्ड सर्कल, कैसे फील्ड सर्कल कांग्रेस ने सजा रखी है, शानदार युवा खिलाड़ियों से सजी हुई टीम कमलनाथ के एक्सपीरियंस के साथ उतरेगी। कप्तान रहेंगे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जी, जीतू पटवारी, शुक्ला जी, अजय सिंह, सिद्धार्थ तिवारी, बाला बच्चन, कमलेश्वर लाखन जी, तरुण भनोज जैसे दिग्गज खिलाड़ी और एक्सपीरियंस और शानदार युवा खिलाड़ियों के साथ कांग्रेस टीम अपने कर्नाटका की जीत के बाद उत्साहित टीम उतरेगी मध्य प्रदेश में मुकाबले के लिए। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं बीजेपी की प्लेइंग 11 की। ये देख रहे हैं आप फील्ड प्लेसमेंट, क्या शानदार फील्ड प्लेसमेंट बीजेपी ने लगाई है। बीजेपी की प्लेइंग 11 देखें तो कप्तान शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, बीडी शर्मा, मिश्रा जी, सारंग जी, विजय वर्गी जी, राजेंद्र शुक्ला, देवेंद्र देवेश्वर, गौरी शंकर और शैलेंद्र जैन जैसे एक्सपीरियंस और दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में होंगे। लेकिन बात करें इनके काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, यही फायदा एडवांटेज होगा कांग्रेस के लिए। तो दोस्तों ये मुकाबला बहुत ही कांटे का होने वाला है। खड़गे इस टीम के कोच रहेंगे, जो कि नए नए बने हैं और कर्नाटका में इनकी कोचिंग में कांग्रेस ने जीत हासिल करी। जेपी नड्डा जी बीजेपी के कोच, इनका एक्सपीरियंस कितना काम आता है। हालांकि इस सीज़न में इन्होंने कर्नाटका में हार हासिल हुई है, लेकिन अगला मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है। सिंधिया जो कि पहले कांग्रेस की टीम से खेलते थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ये काफ़ी झटका लगा है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस एक जुनून के साथ और युवाओं के साथ सजी हुई टीम है, जिसका काफ़ी ज़्यादा रोष और काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है फील्ड पर। फील्ड प्लेसमेंट शानदार उन्होंने लगाई है, दिग्गजों सजी हुई टीम और कमलनाथ जैसा नेतृत्व जब हो तो कहने ही क्या। वहीं बीजेपी शिवराज सिंह के नेतृत्व में खड़ी हुई है मैदान में, लेकिन शिवराज सिंह का जादू कितना चल पाएगा ये वक्त ही बताएगा। तो ये रही बीजेपी बनाम कांग्रेस की टीम, 116 रनों का लक्ष्य होगा और दोनों टीमें इसको हासिल करने के लिए मैदान पे आमने सामने होंगी। कौन टीम जीतती है और कौन टीम हारती है ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा। अगला विश्लेषण हम अगले मैच का करेंगे, छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।